मैंने एक चीज और भी देखी है कि बहुत से लोग तो अब राइड भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। सुबह सुबह आज दोबारा मैं उठा नहीं है, मतलब वही मैं पूरी रात सोया नहीं, पबजी खेल रहा था। सुबह सुबह मौसम एक नंबर हो रखा है तो नींद अभी भी नहीं आ रही। अपनी जैकलीन बहुत गंदी पड़ी है, तो टाइटल और थंबनेल से आपको पता लगा होगा कि आज का व्लॉग किस पे होने वाला है। तो चलो नीचे चलते हैं, बाल्टी और सबको लेके। एक साल हो गया मेरी मतलब ड्यूक लिए हुए, अभी तक मैंने आज तक कभी खुद से वॉश नहीं करी। आज मैं फर्स्ट टाइम लॉकडाउन ने चलो कुछ अच्छी आदत डाली कि मेरे को अपनी बाइक साफ़ करने जा रहा हूँ। नीचे चलते हैं, आप लोगों से कुछ बातें करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपनी बाइक कैसे मेंटेन रख सकते हो। तो बोरिया बिस्तर उठाते हैं, मतलब बाल्टी वाल्टी उठाते हैं और चलते हैं नीचे। हालत देख लो भाइयों, कितनी गंदी हो रखी है। ये वाले पानी से धो दो भैया, इसमें शैम्पू पड़ा हुआ है, मैं लेके आया था ऊपर से। फाइनली कम से कम 2.5 महीने बोलूँ या 2.5 करोड़ साल बोलूँ, 2.5 करोड़ 2.5 महीने बाद अपनी जैकलीन अभी भी पूरी अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई, क्योंकि भाई वो जो वॉशिंग में धुलती है वो वॉशिंग में धुलती है। देखो चेन में अभी भी बहुत ज़्यादा रस लगा हुआ है। तो चलो कोई नहीं, कम से कम बैठने लायक तो बन गई अपनी जैकलीन एंड मेरी मेहनत बच गई। भैया मिल गए थे तो मैंने उनको अपना जो शैम्पू वाला पानी मैं लेके आया था ऊपर से मैंने दे दिया। तो मुझे था कि मैं साफ़ करने के बाद ना, मतलब साफ़ करते करते आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू मेंटेन। बड़ा फटाफट भैया ने साफ़ कर दी, तो अब एक छोटी सी गेड़ी मारूंगा भाई। आप लोगों को जो सोचना है सोचो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल भी कोई भी नहीं होगा, खाली रोड होगा। फटाक से एक छोटी सी गेड़ी मार के मैं वापस आ जाऊँगा। तो पहले वार्म अप करते हैं अपनी बाइक को, फिर अपनी गेड़ी स्टार्ट करते हैं आज की। जय साई राम, कितना टाइम हो गया यार ऐसे बाइक चलाए हुए, जैसा आराम बोल के अपना व्लॉग स्टार्ट करे हुए। एंड 2.5 महीने बाद ही मैंने हेलमेट पहना, तो ऐसा लग रहा पता नहीं जैसे मेरे सर पे किसी ने 15-20 किलो का पत्थर रख दिया या किसी ने पत्थर बांध दिया मेरी गर्दन के साथ। बहुत हैवी हेलमेट लग रहा है। एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे पता आप लोग बहुत बोलोगे कि भैया आप राइड करने जा रहे हो ये चीज़ गलत है। भाई घर बैठे बैठे ना मैं इतना ज़्यादा फेडअप हो चुका हूँ ना कि 2.5 महीने से मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाई। आपने देखा होगा एक बार ही निकाली थी, वो भी सामान लेने गया था कुछ ज़रूरी ग्रॉसरीज का, एंड प्लस अपना जो मेडिसिन लेने गया था अपने घर की छोटी मोटी। तो उसके बाद फाइनली मतलब 2.5 महीने बाद आप पहली बार बोल सकते हो कि हाँ मैं राइड करने जा रहा हूँ। राइड भी इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि भाई अब ज़रा बहुत सर के ऊपर से पानी चला गया है, एंड वैसे भी थोड़ी बहुत तो छूट दे ही दी है गवर्नमेंट ने, एंड लॉकडाउन में तो लोग इतना सारा घूम ही रहे थे। तो मैं भी सुबह के टाइम मैंने कहा एक छोटी सी राइड भी कर रहा हूँ और आप लोगों से कुछ एक छोटा सा मोटो ब्लॉग भी हो जाए और कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ एज़ पर माई नॉलेज। तो सबसे पहले लॉकडाउन में मतलब खड़े लॉकडाउन में क्या, वैसे भी अगर आपकी बाइक खड़ी रहे ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो करता है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बाइक आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, जो कि आपने देखी मेरी अपनी जैकलीन की हालत क्या हो रखी थी, मतलब हद से ज़्यादा गंदी हो रखी थी। सबसे पहला गंदी हो जाती है, सेकेंड उसकी बैटरी डेड होने का, मतलब बैटरी जब आप स्टार्ट ही नहीं करोगे बाइक खड़ी रहेगी तो खड़े खड़े उसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, लो हो जाती है। तो इसलिए आपको कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक बार तो स्टार्ट करनी ही करनी चाहिए, चाहे आपकी बाइक हो, कोई सी भी बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो या नॉर्मल बाइक हो। ये जो मैं बात कर रहा हूँ सुपर बाइक के, सुपर बाइक पे भी एप्लीकेबल होगी, ये नॉर्मल बाइक के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इस बाइक के लिए या उस बाइक के लिए। थर्ड जो है आपका चेन, जैसे मैंने अभी दिखाई मेरी चेन जो बिल्कुल है वो रस खा चुकी है। खड़े खड़े मतलब आप जब चलेगी नहीं, खड़े खड़े कोई भी चीज़ हो आपके, चाहे घर का कोई भी सामान हो, जैसे नलके भी हो गए जो टूटी होती है पानी की टूटी, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे सालों साल, मतलब महीनों महीनों आपका घर बंद पड़ा रहेगा तो उसमें भी रस लगना चालू हो जाता है। वैसे ही सेम इसका हिसाब होता है, चेन भी रस खा जाती है। एंड प्लस अगर आप इसको स्टार्ट नहीं करोगे, आपके इंजन में जो ऑयल की रोटेशन है वो नहीं होगी, तो अंदर की जितनी भी गरारियाँ हैं, क्रैंक है, सब कुछ है, वो बिल्कुल सूख जाएगा, और सूख जाएगा तो उसमें भी रस लगना चालू हो जाता है। तो इसलिए बाइक को हफ्ते या 10 दिन में ना आप कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आप स्टार्ट छोड़ दो, ताकि जो ऑयल बिल्कुल नीचे पूरा बैठ जाता है ना वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, ऊपर चढ़ता नहीं। क्योंकि जब तक इंजन घूमेगा नहीं, ऑयल इंजन गर्म होगा नहीं, ऑयल गर्म होगा नहीं, और जब ऐसे गर्म होगा ऑयल हो जाता है पतला, तो वो पूरे इंजन में रोटेट करता है। जब बाइक बंद होगी तो पूरा इंजन पूरा नीचे बैठ जाता है, इंजन ऑयल उसका पूरा नीचे बैठ जाता है। तो इसलिए उसको
ताकि वो ठीक तरीके से काम करते रहे, सारे अंदर की जितनी भी गरारियां हैं, क्रैंक है, जो भी चीज़ें होती हैं इंजन के अंदर, वो सही तरीके से काम करते रहें, इसलिए उसको ऑयलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और ऑयलिंग कब होगी? जब आप बाइक स्टार्ट करोगे। तो इसलिए कम से कम जैसे हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप बैटरी चार्ज करने के लिए बाइक स्टार्ट करोगे, तो इस वजह उससे उसमें आपका क्या होगा, ऑयल की रोटेशन भी होगी, तो ऑयल के साथ साथ आपका इंजन में जो रस्ट लगने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ऐसा घूम के ना 2.5 महीने बाद ऐसा लग रहा है जैसे जेल से कैदी नहीं होता आजाद हो जाता, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। हालांकि जेल से तो आज़ाद नहीं हुए, बट काइंड ऑफ यार हमारे लिए सजा ही है तो जेल ही है। तो जेल से आज़ाद होकर जैसी फीलिंग एक कैदी को होती होगी ना, वैसे मुझे हो रही है। तो आई एम श्योर जो लोग भी नहीं घूम रहे उनको भी ऐसे ही फील होगा जब भी वो बाहर निकलेंगे। एंड मैं आज निकला हूँ, चाहे आप लोगों को सही लगे या गलत लगे, भाई मैं हो जा रहा था डिप्रेशन में। एंड आज वैसे भी मौसम एक नंबर हो रखा था, सुबह सुबह का टाइम है, देखो 6:41 हो रहे हैं। तो मैं कोई शाम के या दिन के टाइम नहीं घूम रहा क्योंकि उसमें थोड़ी भीड़ भड़क का ज़्यादा हो जाता है। सुबह की एक छोटी सी गेड़ी मार के आपसे 2-3, 5-10 मिनट का वॉक करके उसके बाद मैं भी घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो इसलिए अपनी बाइक को मेंटेन करने के लिए ना उसको टाइम टू टाइम चला करते रहो, ये सब चीज़ें स्टार्ट करते रहो। एंड स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट तो चलो करोगे, इंजन की रोटेशन मतलब ऑयल की रोटेशन और अपना बैटरी बिल्कुल लाइफ आपकी ठीक हो जाएगी। हो सके ना अपने गली में एक छोटा बहुत राउंड भी मार लो। क्यों? क्योंकि जो अंदर की गरारियाँ होती हैं जैसे क्लच प्लेट हो गई या जितनी और भी गरारियाँ हैं उसको भी घूमना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंजन स्टार्ट कर दोगे, बाइक स्टार्ट कर दोगे, तब तो आपका ऑयल तो घूम रहा है लेकिन जो अंदर की जो गरारियाँ हैं वो नहीं घूम रही, उसका घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हो सके तो अपने गली में ही एक चाहे छोटा सा राउंड मार लो इस लॉकडाउन के अंदर, ताकि ऑयल उन गरारियों को भी मिल सके, अंदर से अंदर तक ऑयल पहुंच सके। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? लॉकडाउन में मैं मानता हूं कि मेरे वर्ड थोड़े फंबल इधर उधर हो रहे होंगे क्योंकि इतने टाइम से मोटो व्लॉग नहीं करा मैंने, बट भावनाओं को समझना यार। बस भाई घर ही जा रहा हूं, इससे लंबी गेड़ी नहीं मार रहा मैं अपनी। एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक तो सुबह का टाइम, मॉर्निंग में फ्रेश एयर, पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो चुका है। मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि बहुत से लोग तो अब राइड भी करना स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि एक जने को एक बाइक पे या स्कूटर पे अलाउड तो हो ही चुका है। सुबह सुबह की ना मतलब फील ही अलग होता है यार। एंड संडे वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि संडे को भी इतना ही ट्रैफिक दिखता था हमारे को, ऐसा लग रहा है संडे राइड पे जा रहा हूँ, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है और हो सकता है आगे वाले टाइम पे कुछ भी और पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मोदी जी ने लॉकडाउन 4.0 भी डिक्लेयर कर दिया। तो अब देखो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा। अभी वो डेट भी बताएंगे कितने टाइम का होगा, क्या होगा, क्या उसके रूल्स होंगे, अभी तो कुछ भी नहीं आया है। बट जो भी है, जैसा भी है यार, देखो हमारे भले के लिए ही हो रहा है लेकिन हमारे भले के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है। तो अब हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जितनी भी सेविंग थी, जितना भी सब कुछ था ना भाई साहब, हालत ख़राब हो गई है। एंड आई एम श्योर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होगी क्योंकि जितने भी सर्विस मैन हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम मिला उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एक तो वो डिप्रेशन में नहीं आ रहे क्योंकि वो घर बैठे के काम कर रहे हैं, एंड प्लस उनको सैलरी भी मिल रही है, चाहे कुछ कट के ही मिल रही है लेकिन कम से कम मिल तो रही है। लेकिन हम जैसे बिजनेसमैन, हमारा तो ठंडन गोपाल हो रखा है भाई, ठंडन गोपाल हो रखा है, ना कुछ आ रहा है बल्कि जा ही जा रहा है, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी जा ही जा रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है ये साल अब कैसा होने वाला है आगे, मतलब फ्यूचर ये साल का बिजनेस होगा या नहीं होगा? मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में तो ये साल तो पूरा बर्बाद हो चुका है, होने नहीं वाला, हो चुका है क्योंकि जो 2-2.5 महीने 3 महीने का ये जो बिजनेस लॉस है ना इसको कवर करने में कम से कम 5-6 महीने लग जाएंगे। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड जो भी होगा जैसा भी होगा करना तो है ना भाई, क्योंकि ये साल जान बचाने का है, पैसा कमाने का नहीं है। ये बात अपने माइंड में डाल लो, पैसा कमाना है अगले साल से कमा लेना, इस साल भाई अपनी जान बचा लो। क्या हो गया अंकल जी? अच्छा अब तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। घर कहाँ पे आपका? आप ये खोल दो फुटरेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ रिक्शे वाला खड़ा था। अच्छा क्या भी था अंकल, गाड़ी छोड़ के आगे कर लो, कहीं चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ेगी नहीं, और वही हुआ गड़बड़, वही गड़बड़ हो गया। अभी ठीक क्या है, क्या करें? हाँ जी वो मैकेनिक तो अब वही है, मिलेगा नहीं तो ये कोई भलाई होगी भाई। हाँ जी वो भलाई होगी इसमें। ठीक है, वेलकम अंकल जी। चलो भगवान ने किसी अच्छे के
मतलब काम करवा ही दिया कोई अच्छा काम, तो अब मुझे दिल को सुकून मिलेगा कि हाँ भाई मैंने सही किया राइड करके। चलो राइड के बहाने, छोटी सी गेड़ी के बहाने, चल थोड़ी सी हेल्प, जरा सी मतलब एक डेढ़ किलोमीटर का फर्क किसी की हेल्प तो हो गई, कम से कम मेरा गिल्ट कम हो गया। तो आई होप आप लोगों के जो मैंने पॉइंट समझाए, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, बहुत बेसिक सी नॉलेज है, तो भाई अगर आप फॉलो कर लोगे आपकी बाइक की लाइफ ही ठीक रहेगी। और जब इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो, जिन चीज़ों से पैशन है, जिन चीज़ों से प्यार है, तो उसकी केयर तो करनी चाहिए ना। हालांकि मैं नहीं करता क्योंकि ढाई महीने से आपने देखा मेरी बाइक कितनी गंदी पड़ी हुई थी, बट आप लोग तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि भाई मैं थोड़ा आलसी हूँ और लॉकडाउन में तो और ज़्यादा आलसी बन चुका हूँ। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, हो सके तो छोटी मोटी राइड मार लो गली में, लेकिन बाहर यार जहाँ भीड़ भड़क हो वहाँ बिल्कुल भी मत जाओ, मेरे को पता है घर जाए बैठे बैठे डिप्रेशन हो क्या होगा। तो मैं बहुत आज रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो हो सके मार लो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये अपने डिप्रेशन हल्का करने के लिए मैं आपको सब सजेशन दे रहा हूँ। और हो सके तो सुबह सुबह मारना ताकि कोई भी आसपास आपके मिले ना, क्योंकि भाई ये बहुत गंदी बीमारी है। अब मैं करता हूँ अपनी बाइक पैक, मैं चलता हूँ घर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन स्टे सेफ स्टे एट होम। दिस इज मी कमल साइनिंग ऑफ विद जैकलिन आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बाय बाय, इसमें आवाज़ नहीं है इसी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो भाई। बाय।